कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। हजारों साल पहले से दुनिया में चारों तरफ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेयर करना, पूजा करना, इबादत करना प्रचलित है। सामूहिक जागरण होते हैं, पाठ होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, कीर्तन चलते हैं, और इन सब में लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं और ज्यादातर एक ही स्वर में एक ही प्रार्थना, पाठ या प्रेयर को पढ़ा जाता है, गाया जाता है। इस तरह की सामूहिक व्यवस्था और तरीका कहां से आया? हर धर्म के ग्रंथ इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के नियम बताते हैं और उनमें भी इन सामूहिक प्रेयर्स को करने के लिए बताया गया है। अब ये ग्रंथ या तो परम महान शक्तियों से आए हैं या उनसे सीखकर परम गुरुओं ने यह व्यवस्था इन ग्रंथों में बताई है। पर सवाल यह है कि इस सामूहिक प्रक्रिया का मतलब क्या है और क्या उद्देश्य है? कुछ ऐसा है जो इन परम गुरुओं ने समझा और हमें यह सामूहिक आयोजन करने का रास्ता दिखाया। क्या यह सोचने का विषय नहीं है कि दुनिया के कोने कोने में बने स्कूलों में बच्चे अपनी शिक्षा शुरू करने से पहले सामूहिक तौर पर प्रेयर करते हैं? स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थनाओं का यह विचार कहां से आया, कौन लाया और क्यों? इन सवालों के आसान और साधारण से जवाब हो सकते हैं। सामूहिक प्रेयर से सद्भावना बढ़ती है, सामूहिक प्रेयर से मन एकाग्र होता है, समाज के प्रति अच्छा सोचने और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे के लिए द्वेष और घृणा का भाव खत्म होता है। और भी इस तरीके के जवाब हो सकते हैं। सामूहिक स्तर के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी यह प्रक्रिया की जाती है। जैसे कोई चुना हुआ मंत्र, प्रार्थना या शब्द को 108 बार या उससे ज्यादा बार जपना। इतने बार जपने के पीछे भला क्या उद्देश्य है? प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट एजर मिशेल ने पॉल टेंपल की सहयोग से 1973 में इंस्टीट्यूट ऑफ नॉयटिक साइंसेस की स्थापना की। यह इंस्टीट्यूट अपनी तरीके का पहला और शायद अकेला रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में बना हुआ है। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन, चेतना, अचेतना, विचारों की शक्ति, अध्यात्म, हेल्थ केयर के दूसरे तरीके, मृत्यु के बाद चेतना जैसे कई विषयों पर रिसर्च हो रही है। इनमें से एक रोमांचक रिसर्च विचारों के वजन के बारे में है। जी हां, विचारों का वजन। इंस्टीट्यूट पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या किसी एक विचार में कुछ वजन हो सकता है और कितना, क्योंकि यह बात तो साइंटिफिक तौर पर तय है कि इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है। हमारा शरीर, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, सभी कुछ। अगर एनर्जी का एक समूह एक आकार लेता है जैसे हमारा शरीर, और शरीर का कुछ वजन होता है, तो इस समूह की एक अकेली इकाई का भी कुछ वजन होगा। क्या उस एक इकाई का वजन नापा जा सकता है? कोशिशें जारी हैं। अब परिकल्पना यह है कि विचार भी एनर्जी है। अगर किसी एक विचार का वजन बढ़ाया जा सके तो शायद वह विचार आकार ले ले। तो किसी विचार का वजन कैसे बढ़ाया जाए? जिस तरह मिट्टी के एक एक कण को मिलाएं तो एक ईंट बन सकती है, उसी तरह अगर एक ही तरीके के विचार को इकट्ठा करें तो शायद उसका एक ऐसा वजन बने जो वह आकार ले ले। बात कुछ कुछ तो संभावित लगती है, क्योंकि मिट्टी के कणों को देखा जा सकता है और इकट्ठा करके उसका वजन बढ़ाया जा सकता है, पर विचार तो किसी ने देखे ही नहीं। पर ऐसा लगता है कि उस विचार में कुछ तो वजन होगा। अब अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस एक विचार को करें तो शायद वह विचार कुछ वजन ले ले और आकार में आ जाए। बात समझने में थोड़ी कठिन है, पर यह बात हमारे पौराणिक ज्ञानियों, साधुओं और गुरुओं ने समझ ली थी। आधुनिक रिसर्च तो अब शुरू हुई है। विचारों के वजन बढ़ाने के उद्देश्य से ही हमारे गुरुओं ने सामूहिक चेतना के नियम बनाए। आराम से समझें, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर एक विचार को दोहराएं तो उस विचार का वजन बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही वो आकार लेने के नजदीक आएगा,
यानी कि कैसे ना कैसे हमें प्रभावित करेगा। अब गौर कीजिए कि दुनिया के कोने कोने में होने वाली इस सामूहिक चेतना की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले विचार क्या हैं, जिनका वजन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए सबसे आसान विचार जो स्कूलों में प्रेयर्स में दोहराया जाता है, हमें शक्ति देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। यह एक उदाहरण है, और भी प्रेयर्स हैं, पर उद्देश्य एक ही है, इस विचार का वजन बढ़ाकर मन के विश्वास को मजबूत करना। इसी तरह जब किसी मंत्र का 108 बार या और अधिक बार मनन किया जाता है, कोशिश उसके वजन को बढ़ाने की ही है, जिससे कि उस मंत्र का प्रभाव हम पर पड़े। अब यह सिद्धांत सिर्फ प्रेयर्स या मंत्रों पर ही लागू नहीं होता। सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी भी विषय के विचारों के बारे में हो सकती है। सामूहिक चेतना के कुछ विचार किसी व्यक्ति को राजा बना देते हैं और किसी को रंक, किसी योजना को सफल कर देते हैं और किसी को असफल, किसी देश को प्रसिद्ध कर देते हैं और किसी को नाकारा बना देते हैं। जब कोई एक परिवार या समूह एक तरह के विचार का मनन करता है तो उसका वजन बढ़ने लगता है और उसका प्रभाव उस परिवार पर या उस समूह पर दिखाई देता है। अब विचार यह करना है कि हम किस विचार के वजन को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं।